महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव किया और इन दोनों मामलों पर अपनी आवाज बुलंद की। महिला कांग्रेस के अलग अलग इलाकों से आए पदाधिकारियों ने आज अचानक मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर दिया। महिला कांग्रेस ने महंगाई और महिला अपराध को लेकर मुख्यमंत्री निवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा राज में जहां महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, वहीं महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बढ़ती महंगाई ने सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए समस्या पैदा कर दी है। महिला कांग्रेस के विरोध को देखते हुए पुलिस सतर्क हुई, इन महिलाओं को मुख्यमंत्री निवास जाने से रोका। इस बीच महिला कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिस कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमारी मांग है महंगाई कम करो, हमारी दूसरी मांग है महिलाओं पे अत्याचार कम करो, तीसरी मांग है कोरोना पीड़ितों को न्याय दो, जो आपने 4 लाख बोला था वो उनको दो। मैं उस गृह जिले से आई हूँ जिस गृह जिले से यहाँ का गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी से मैं पूछना चाहती हूँ, महिला अपराध में वो क्या कर रहे हैं। आज डबरा की एक भयावह फोटो हम लोगों के बीच है। हम सभी जानते हैं कि जब पूरे देश में एसिड बैन है तो इतनी बड़ी मात्रा में एसिड बन कहाँ रहा है। उस बेटी को एसिड पिलाया गया, उस महिला को, आज दबाव में वो दूसरा वीडियो जारी कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ घरेलू हिंसा पर अभी तक मुख्यमंत्री जी शांत क्यों हैं? NCERB की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नंबर 1 जो है वो मध्य प्रदेश है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।